सूर्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइक ऑल म्यूट, तो मैं भी म्यूट हो गया था आई थिंक सो। अच्छा, ठीक ओके सर, मैं बता देता, पहले से बता देता। ओके, पहली बात तो इधर 24,800 पे मेरा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओआई के कारण से, जिसका वीकनेस मेरे नो को 82% के आसपास दिखाई दे रहा है 24,500 पे, और सपोर्ट मेरा बन रहा है 24,000 पे, जिसका कोई मेरा वीकनेस अभी के लिए उतना वैलिड वीकनेस मेरे को अभी के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। अभी के हिसाब से क्या हो सकता है? पहली चीज, ये वाई जो है इधर शिफ्ट हो सकता है 100%, ओके 24,500 पे पूरा शिफ्टिंग कर सकता है, और अभी मार्केट आज गैप अप ही ओपन हुआ है, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, तो और मार्केट भी ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास ओपन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, या अगर रेजिस्टेंस इधर बने तो इधर से रिजेक्शन लेके नीचे आए, इधर अगर रेजिस्टेंस इधर आसपास शिफ्ट हो जाए तो इधर से रिजेक्शन लेके नीचे आए, और सपोर्ट भी ऊपर आ जाए तो सपोर्ट से भी रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, वो बाद में देखेंगे कैसे क्या हो सकता है, बट अभी के हिसाब से वाई मेरा इधर बन रहा है, जिसका वीकनेस मेरे को 24,500 पे है, बट सपोर्ट में वाई का कोई वीकनेस मेरे को नहीं दिख रहा। अभी मैं इसको 3 मिनट कर लेता हूँ, पहले 10 सेकंड मूव कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको 3 मिनट कर लेते हैं। ओके, 10 मिनट जो लाइक 10 सेकंड सॉरी 10 सेकंड जो मैंने मूव किया, इसमें क्या क्या चेंजेस आए? पहली चीज, मेरा वाई सपोर्ट जो था, वाई की वजह से जो सपोर्ट था वो 24,000 पे था, एंड वॉल्यूम भी 24,000 पे ही आया है। ओके, और रेजिस्टेंस के साइड जो हमारा वाई था 24,800 पे, जिसका वीकनेस अभी भी उतना ही है, बट अभी जो हुआ है कि 24,300 पे हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, वो बन रहा है वॉल्यूम की वजह से, एंड जिसका वीकनेस मेरे को दिख रहा है 97% ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हो 24,500 पे, तो ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर शिफ्ट हो जा सकता है, एंड ये नीचे आके 24,500 पे अपना रेजिस्टेंस बना सकता है। ओके, चलिए 3 मिनट मूव कर लेते हैं। अभी अभी 3 मिनट मूव में क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है? पहली सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट पहली बात हमारा बन रहा है वाई चेंज की वजह से, जो हमें दिख रहा है 24,300 पे हमारा वाई चेंज बैठा हुआ है, जिसके कारण से हमारा सपोर्ट बनेगा। दूसरी बात, हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वॉल्यूम की कारण से, जो बैठा हुआ है 24,300 पे, भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बैठा हुआ है, जिसका वीकनेस 97% था 3 मिनट आगे, वो अभी डिक्रीजिंग होकर 80% हो गया है, और अभी भी ये कोशिश नीचे आने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, एंड वाई चेंज जो बन रहा है वो 24,700 पे, जो नीचे आने की कोशिश लाइक 90% ऑलमोस्ट हो गया है, तो इधर आने की कोशिश कर रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? पहली चीज, ये हो सकता है कि हमारा ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग जाए, लाइक जो ये वीकनेस है ये डिक्रीजिंग चला जाए, और वॉल्यूम इधर परमानेंटली शिफ्ट होकर 24,000, लाइक अभी तो शिफ्टिंग है, लाइक इधर ही है, लाइक इधर ही पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाए, और ये वीकनेस पूरा गायब हो जाए, राइट, और हमारा वाई चेंज इधर जो वीकनेस दिखा रहा है ये इधर शिफ्ट हो जाए, और बाद में इधर भी आ सकता है, आगे आगे आएगा तो देखा जाएगा, बट अभी के हिसाब से अगर ये वीकनेस डिक्रीजिंग चला गया तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग हो जाएगा, जो वॉल्यूम हमारा 24,300 पे अपना रेजिस्टेंस बनाएगा, और सपोर्ट भी हमें 24,300 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वॉल्यूम भी इधर शिफ्ट हो सकता है, जिसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 70% है, वो बाद में देखते हैं कितना, लाइक अभी मैं ग्राफ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट डेटा आना चालू हुआ है, तो मैं अभी के हिसाब से ग्राफ अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, 3 मिनट बाद बात के मैं ग्राफ देखूंगा। अभी देखो, मैंने जैसा बोला था इधर 70% जो था वो अभी ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, लाइक अभी जो वॉल्यूम है इधर इंक्रीजिंग हो रहा है, लाइक इधर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट्स मीन वॉल्यूम इधर शिफ्ट होना चाहता है, तो वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो जाए तो सपोर्ट पे कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, सपोर्ट ऊपर से और स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट, रिमेम्बर दैट। एंड ऑल्सो इधर जो हमारा 80% के आसपास था, अभी वो थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग आ रहा है, लाइक बोल सकते हो फ्लैट है, लाइक ये अगर ऐसे ही फ्लैट इधर डिक्रीजिंग चला गया, फ्लैट टू डिक्रीजिंग, तो हमारा रेजिस्टेंस भी 24,300 पे बन जाएगा, एंड वाई चेंज जो था वाई चेंज इधर से पूरा गायब हो चुका है, मेरे को तो अभी नहीं दिख रहा वाई चेंज इधर है ही नहीं अभी के साथ, ओके सारे डिक्रीजिंग है। क्यों क्यों डिक्रीजिंग है? पहली बात तो इतना बड़ा गैप अप हुआ है, बहुत सारा कॉल राइटर का जो है अपना एसएल तो ट्रिगर्ड हुआ ही है, ऊपर से अभी के हिसाब से राइटिंग चालू हुआ है, तो अभी के लिए उतना मायने नहीं रखता कितना डिक्रीजिंग है कितना इंक्रीजिंग है, 9:30 के बाद ही देखा जाएगा। ओके चलो 3 मिनट मूव करते हैं। अभी देखो, जो वाई चेंज गायब हो गया था आ गया फिर से, वाई चेंज भी बन रहा है अभी 24,300 पे, ओके ऊपर में कोई वीकनेस नहीं देखने को मिल रहा, और ये वॉल्यूम अभी थोड़ा सा इंक्रीजिंग हो रहा है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ही हुआ है, 79% के आसपास, तो अभी 81 के आसपास हुआ है, लाइक थोड़ा सा ही हुआ है, और ये तब से कोशिश कर रहा है कि ये नीचे आए, बट अभी के लिए तो ये एक बार स्पाइक लगाया था बट अगेन फ्लैट हो गया, लाइक 79 पे आ चुका है। ओके, और सपोर्ट में ऐसा कोई वीकनेस, सपोर्ट नीचे से, लाइक सपोर्ट तो इधर ही था, वॉल्यूम नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, जिसका वैल्यू अभी भी 95% है, ये ऐसे ही रहा इधर डिक्रीजिंग टू फ्लैट रहा, तो ऐसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग होके सपोर्ट इधर ऐसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, 3 मिनट के बाद देखते हैं। 3 मिनट के बाद देखो, सपोर्ट की बात कर लेते पहले, जो सपोर्ट अभी 95 तो 92 मतलब 3% के आसपास डीके मिला है, डिक्रीजिंग गया ये,
तो इधर ये ऐसा हो सकता है, हमारा सपोर्ट इधर ही स्ट्रांग बन जाए और इधर से हम एक कॉल का लिए बाय भी कर सकते हैं अगर ये ऐसा ही स्ट्रांग बनता रहा तो। और ऊपर से इधर देखो 67-61%, मैं इसको क्या स्ट्रांग बोल सकता हूँ, अभी अभी के हिसाब से स्ट्रांग है। जब तक ना इधर मेरे को 75 के ऊपर वीकनेस देखने को ना मिल जाए तब तक ये स्ट्रांग है। बट रिमेम्बर कि ये लोग भी इंक्रीजिंग हो रहे, ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट पूरा ही नीचे शिफ्ट हो जाए। ओके, और देख लेते अभी रेजिस्टेंस की बात। रेजिस्टेंस पे जो वाई चेंज का कोई वीकनेस नहीं था, अभी इधर 91%, लाइक वाई चेंज इधर बहुत ज्यादा जंप किया है, लाइक 91%, इधर भी वाई चेंज ऐसे शिफ्ट भी हो सकता है। और वाई जो ऊपर बैठा हुआ था वो नीचे आ चुका है, इसका भी वीकनेस अभी 24,300 पे आने की कोशिश कर रहा है, और ये वॉल्यूम अभी भी वही फ्लैट टू डिक्रीजिंग ही बना रहा है। ओके, अभी 9:30 पे आते हैं, 9:30 पे मैं लाइन भी ड्रॉ करूंगा। 9:30 पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो परसेंटेज इंक्रीजिंग हो रहे थे अभी ये उतना इंक्रीजिंग नहीं रहे, लाइक अभी भी ये इंक्रीजिंग हो रहे बट परसेंटेज हिसाब से, लाइक अभी ये पहले कुछ देर पहले, एक सेकंड, आई थिंक ये वाला राइट, हाँ देखो ये लोग अभी भी इंक्रीजिंग हो रहे हैं, मैंने ये नहीं देखा था सॉरी। जो इधर देखो 66%, 69%, ये वाला अभी भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ये अभी तक डिक्रीजिंग नहीं गया है। और इधर भी अगर देखा जाए ये लोग भी इंक्रीजिंग हो रहे, तो ऐसा हो सकता है अगर सपोर्ट इधर शिफ्ट हो जाए, इधर इधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है ऐसे, बाद में देखा जाएगा होगा या नहीं। अभी देख लेते इधर क्या हो रहा है। पहली चीज, वॉल्यूम डिक्रीजिंग जा रहा है जो 78% हो गया है, OI फ्लैट है 81%, और वाई चेंज का भी तो डिक्रीजिंग है, लाइक कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई ये आपको ग्राफ भी नहीं दिखा रहा है। और वाई जो था ये ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस फिर से आ गया है, दैट्स व्हाई वाई फिर से ऊपर चला गया है। अगर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, लाइक 200 के आसपास आएगा, तो देखना फिर से वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर ये वाई शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अभी के हिसाब से मेरे को ये मार्केट का टॉप एंड बॉटम क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज जो मेरे को अभी के हिसाब से मार्केट का टॉप मेरे को देखने को मिल रहा है 3000, लाइक सॉरी 300, इधर 350 की टॉप। अभी के हिसाब से अगर ये इधर वीकनेस नहीं बढ़ा, ये दोनों वीकनेस ऐसे फ्लैट रह गए, तो मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से 300 में ही हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए, लाइक इधर ही मेरा मार्केट का टॉप बनना चाहिए। और सपोर्ट के लिए अभी ये देखो ये 70% ऑलमोस्ट होने वाला है, ये 66% है, तो ये आपको देख के रहना पड़ेगा कि अगर ये लोग ऐसे ही इंक्रीजिंग होते रहे, ऐसे ही अगर इंक्रीजिंग होते रहे तो ये सपोर्ट नीचे शिफ्ट कर सकता है। ओके, तो अभी के लिए अभी के हिसाब से 300 मेरा बॉटम दिख रहा है, क्यों, वाई चेंज की वजह से, ये तो अभी भी डिक्रीजिंग है, अगर बाद में इंक्रीजिंग हो गया तो वॉल्यूम इधर शिफ्ट करने का क्षमता रखता है, क्योंकि अभी तक ये 92% ही हुआ है। अगर 92% हुआ है, अगर इसको बढ़ना है 100% होना है, तो ये रैपिडली हो सकता है, लाइक 100% होने में इसको 8% ही चाहिए, ये 8% होने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो सकता है अगर नीचे आना है मार्केट को तो। और वाई चेंज की वजह से अभी हमारा सपोर्ट है 300 पे, जिसका भी वीकनेस मेरे को अभी तो वीकनेस नहीं बोल सकता अब इसको, लाइक जिसका परसेंटेज मेरे को थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग, लाइक थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग है, बाद में ये वाई चेंज इधर अपना वीकनेस बना सकता है। चलो मैं अभी के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसका सपोर्ट ले लेते हैं, इसका सपोर्ट ले लेते हैं, और इसका रेजिस्टेंस को भी ले लेते हैं। ये आ गया हमारा चारों लाइन अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से हमें चारों लाइन ही चाहिए, चारों लाइन आ चुके हैं। मैंने क्या क्या चीज लिया, पहली बार 350 की रेजिस्टेंस को लिया है, 300 की रेजिस्टेंस लिया, 300 की सपोर्ट लिया है, एंड 250 का सपोर्ट लिया अभी के हिसाब से। ओके, तो पहली अभी क्या कोई ट्रेड बनेगा, नहीं, पहले हमें वेट करना है मार्केट ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला जाए तो इधर अगर ये बेरिश रहा तो इसके हिसाब से पुट बनाने की कोशिश करेगा, और अगर नीचे आ जाए और ये वीकनेस कीप इंक्रीजिंग रहा, अगर लाइक ये फ्लैट हो जाए, इधर डिक्रीजिंग हो जाए, तो डेफिनेटली इधर से हम एक कॉल के लिए सोच सकते हैं। अभी के हिसाब से आगे अभी के हिसाब से मार्केट को नीचे आने के मतलब इस लाइन पे, ऊपर की इस लाइन पे, इधर इस लाइन पे आने की वेट करने देना है। ओके, ये नीचे आया बट इस लाइन को तोड़ दिया 933 पे, देखते हैं क्या इधर से पुट का ट्रेड। पुट का ट्रेड के लिए अभी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का वीकनेस है इधर बट ये डिक्रीजिंग है, ये वीकनेस भी थोड़ा बहुत जो इंक्रीजिंग था अभी थोड़ा बहुत संभाल के थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, अभी डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, डिक्रीजिंग तभी बोलेंगे जब ये थोड़ा और डिक्रीजिंग जाएगा। ओके, अभी इसको फ्लैट ही बोलना है, अभी तो नीचे मेरे को कोई उतना वीकनेस नहीं दिख रहा है जिस वजह से मैं इधर से पुट का ट्रेड बना लूं, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए वेट करना है। ओके, ये ऊपर आया कैंडल, 939 पे चलते हैं। 939 पे क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है, पहली चीज हमें मिल रहा है इधर 72%, जो अभी आपको डिक्रीजिंग जा रहा था वो अभी इंक्रीजिंग होना चालू हो गया है। ओके, दूसरी बात देख लेते इसका वाई चेंज को भी, क्या वाई चेंज इंक्रीजिंग है, देखो ये डिक्रीजिंग आके 60% आ गया था बट ये फिर से 67, लाइक ये भी इंक्रीजिंग है। वाई को भी देख लेते, वाई भी फ्लैट टू इंक्रीजिंग है, तो क्या इधर से कॉल का ट्रेड बनेगा, कॉल का ट्रेड बनेगा, देख लेते क्या ये बुलिश है, ये भी बुलिश है। ओके, बट ये जो परसेंटेज इंक्रीजिंग है मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लाइक मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, तो मैं थोड़ा और कैंडल का वेट करूंगा, एक और कैंडल का वेट करूंगा।
अगर ये कैंडल ऊपर ही ऐसे ग्रीन बना रहा तो डेफिनेटली एक कॉल के लिए सोचेंगे। देखो ये कैंडल नीचे आ गया, देख लेते क्या इधर से लाइक अगर कॉल बनेगा इधर पुट बन सकता है। पहली बात देखो, अभी के लिए ये जो कॉल था इधर से जो मैंने बोला था ये परसेंटेज देखने के लिए, ये परसेंटेज देखो ये वीकनेस नीचे आ चुका है, मतलब इधर अभी जो आपका कॉल के लिए आप जो हम लोग सोच रहे थे ये कॉल को अभी अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अभी देखो वॉल्यूम का तो वीकनेस है पहले से ही, बट ये डिक्रीजिंग है। ऊपर से देखो ये वाई चेंज तो अभी ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बट वॉल्यूम को भी देखो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो रहा है। ऐसा हो कि वॉल्यूम इधर शिफ्ट ना हो, बट वॉल्यूम इधर तो शिफ्ट हो सकता है अगर ये ऐसे इंक्रीजिंग रहा। और ऊपर से कैंडल ने भी नीचे क्लोज दिया है, ये स्ट्राइक प्राइस जितना भी बुलिश हो बट अभी के लिए कॉल को मैं नहीं लूंगा जब तक ना कैंडल ऊपर क्लोज कर रहा है। ओके, ये एक ऊपर रिट्रेस किया, क्या इधर से पुट बनेगा देख लेते। 945 में देखो अभी वॉल्यूम का भी वीकनेस आ चुका है, बट ये वॉल्यूम का जो वीकनेस है और ये वाई चेंज का जो वीकनेस देखने को मिल रहा है, ये क्या इनफ वीकनेस है मेरे को इधर से पुट बनाने के लिए? अगर मेरे को मान लेते ये जो 300 का सपोर्ट है, मतलब 250 की जो रेजिस्टेंस है, ये 250 की रेजिस्टेंस का मतलब ये वाला 300 का स्ट्राइक प्राइस, ये अगर फ्लैट भी लाइक देखो थोड़ा बहुत ये नीचे आ रहा है, अगर ये ऐसे वेरिज भी हुआ बट स्टिल ये क्या मेरे लिए अभी के लिए एक पुट लेने के लिए एक प्रिफरेबल जोन होगा? लाइक इधर से मैं ले सकता हूँ, मैं जैसे करता हूँ मेरे को अगर ये परसेंटेज के हिसाब से लेना है मेरे को पहले ये थोड़ा सा 79-80 के आसपास जाना चाहिए, उसके बाद ही मैं इधर से एक पुट के ट्रेड के लिए इनिशिएट करूंगा। बट अभी के लिए मैं पुट का ट्रेड मिले इधर कॉल का ट्रेड मिले मैं अवॉइड करूंगा। ओके, मैं डेटा मूव कर रहा हूँ, पहले देख लेते क्या ये इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं, फिर कैंडल मूव करते। पहली बात देखो ये 84%, जैसे मैंने बोला था अगर मेरे को ये 80% या 79% के ऊपर मिले तो मैं लूंगा। ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? ये देखो ये रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है, फटाफट इंक्रीजिंग हो रहा है ये भी। तो क्या इधर से पुट का ट्रेड बना सकते हैं? पहले एक कैंडल मूव कर लेते हैं, पहली बार ये तो कैंडल नीचे आ गया तो वेट करते हैं अभी के लिए पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। बट आप अगर ये वीकनेस देख के पुट का ट्रेड लेते हो तो ले सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूं अगर ये 80% के ऊपर आ जाए मैं तभी बनाऊंगा, नहीं इधर मैं छोड़ दूंगा। ये एक रिट्रेस मिला, क्या इधर से पुट का ट्रेड बनाया जा सकता था? 10 बजे चलते, 10 बजे में क्या क्या चीज हुआ? पहली बात वाई चेंज इधर बैठा हुआ था ये नीचे आ गया, लाइक 24,250 पे आ गया, लाइक अभी इधर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। ऊपर से मार्केट इटसेल्फ नीचे आ गया 200 के आसपास और वाई चेंज भी इधर पूरा शिफ्टिंग हो चुका है, दैट्स व्हाई मार्केट ने बना लिया है 200 की सपोर्ट। आपको इधर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बट वॉल्यूम को मार्केट छोड़ के वाई चेंज के आसपास आ गया है, दैट्स व्हाई ये वाई चेंज हमारा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ऊपर से वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो वॉल्यूम भी कितना इंक्रीजिंग हो रहा है। और वैसे मेरे को इधर एक रिट्रेस भी मिला है तो मैं डेफिनेटली अभी तो इधर से पुट का ट्रेड बनाऊंगा। और मैं पहले इधर से एक बार 250 के रेजिस्टेंस ले रहे तो मैं एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए ये देख भी लूंगा कि फ्लैट है इधर बेरिश है, क्या ये मैं इसको बुलिश बोल सकता हूँ अभी के हिसाब से? अभी के हिसाब से आप इसको बुलिश नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत अभी के हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, देख लेती है, देखो कॉल राइटर थोड़ा सा नीचे फ्लैट हुए है बट पुट राइटर भी उतना ही लाइक उतना ही थोड़ा बहुत साइडवेज हुए है, इधर आप बोल सकते हो फ्लैट हुए। ओके, हमारा कंडीशन क्या था, मतलब मैं पुट कब भी ले सकता हूँ जब ये मेरा फ्लैट रहे इधर ये डिक्रीजिंग रहे तभी मैं पुट का ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकता हूँ। अभी के ये फ्लैट है, अगर ये ऐसे बुलिश हुआ ऊपर तो डेफिनेटली मैं इधर से पुट का ट्रेड को एग्जीक्यूट लाइक एग्जिट कर दूंगा। अभी के लिए मैं इधर से डेफिनेटली पुट का ट्रेड बनाऊंगा। 20 पॉइंट का एसएल रहेगा और 49 पॉइंट का आसपास का हमारा टारगेट। ओके, देख लेते हैं, एक बार में टारगेट आ गया। किसी कोई को इधर आई थिंक ऐसा भी पॉसिबल है कि इधर इस रिट्रेस पर नहीं बना पाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं बना पाया तो इट्स ओके, इधर से अगर लिया थे तो बढ़िया, इधर आपके लिए अभी के लिए तो वेट करना है अगर किसी ने इधर से ट्रेड नहीं इनिशिएट कर पाया तो। इधर 10-3 पे चलते हैं, 10-3 पे अभी मैं थोड़ा नीचे वाला लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। 200 का भी सपोर्ट ले लेते हैं, 200 का सपोर्ट क्या दिख रहा है? 200 का सपोर्ट हमें दिख रहा है 148। ओके, तो अभी के हिसाब से मार्केट किधर खड़ा है? अभी के हिसाब से मार्केट है 200 की, देख लेते हैं एक बार, मेरे को याद नहीं, 250 की सपोर्ट पे खड़ा है। क्या मैं अगर ये कैंडल ऊपर भी क्लोज किया है क्या इधर से मैं कॉल का ट्रेड बना सकता हूँ? ये ऊपर क्लोज किया है क्या इधर से कॉल का ट्रेड बनेगा? देखो पहली बात तो रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हुआ है, किस वजह से? वाई चेंज की वजह से। दूसरी बात, हमारा इधर जो वाई चेंज बैठा हुआ था जिस जो हमें सपोर्ट को लाइक वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा था वो भी नीचे आ चुका है एंड वॉल्यूम 91% मतलब बहुत ज्यादा इसका परसेंटेज है। अगर ये वैसे ही बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग है तो क्या मैं इधर से कॉल कट ले सकता हूँ? अगर ये मेरा ये नीचे वाला लाइक अभी 250 के मैं सपोर्ट पे हूँ, 250 के सपोर्ट पे हूँ, ये नीचे वाला बुलिश भी रहा मैं तब भी ये कॉल का रेट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस का वाई चेंज भी नीचे आया है जो न्यू रेजिस्टेंस बना है 250 में, तो मैं इधर से कॉल का ट्रेड को अवॉइड करूंगा अगर मिला भी तो। ये कैंडल नीचे आ गया, क्या इधर से पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है? 10-6 पे चलते हैं, 10-6 पे आ गए, देख लेते क्या इधर से पुट का ट्रेड बनेगा। पहली चीज ये इधर देखो,
इधर जो वॉल्यूम बैठा हुआ था मार्केट नीचे आ गया है, दैट्स व्हाई ये इटसेल्फ जो मार्केट ने वॉल्यूम को 100% कर दिया है क्योंकि मार्केट इसके सामने आ गया है, दैट्स व्हाई। ओके, बाद में ऐसा भी हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ये परसेंटेज डिक्रीजिंग ना जाए, तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये वॉल्यूम अगेन 24,300 पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होगा अगर ये जो परसेंटेज है ये डिक्रीजिंग ना रहे, ऐसे ही फ्लैट बना रहा तो। ओके, तो क्या इधर से एक पुट का ट्रेड बनेगा? अभी हम लोग है 200 की रेजिस्टेंस पे, राइट? यस, 200 की रेजिस्टेंस पे है, तो मेरे को ये बैरिश है। पहली बात, क्या बैरिश मैं बोल सकता हूँ इसको? देखो, ये पहले बैरिश हो रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर उठा है, अपना मुंडी ऊपर उठाया है, देख लेते हैं। देखो, कॉल राइटर थोड़ा सा झुके है, पुट राइटर अभी भी फ्लैट है। अगर पुट राइटर ऊपर बढ़ते तो मैं बोल सकता था ये बुलिश है, बट अभी के लिए सबसे मैं इसको बोल सकता हूँ ये बुलिश है। मैं अभी तक इसको बुलिश नहीं बोल सकता जब तक ना ये थोड़ा सा और इंक्रीजिंग दिखाए। तो क्या मैं इधर से पुट का ट्रेड को इनिशिएट करूँ? पहली बात तो कैंडल का वेट करना है, अगर कैंडल इधर ही नीचे क्लोज करे या इधर ऊपर टच करने आए तो तभी मैं इधर से पुट का ट्रेड बनाने के लिए सोचूंगा। अभी के लिए कैंडल को मूव करते हैं। कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, ट्रेंड नाइन पे चलते हैं। ट्रेंड नाइन पे क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है? पहली चीज, हम 200 की सपोर्ट पे तो है नहीं, 250 की सपोर्ट पे खड़े हैं। क्या इधर से एक कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है? अभी के लिए मैं कॉल का ट्रेड अवॉइड करूंगा। क्यों? मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर गया है, कॉल का ट्रेड लेना भी है तो इधर इसको रिट्रेस के लिए आपको वेट करना है। पहले रिट्रेस होने देना है, उसके बाद ही मैं कॉल का ट्रेड के लिए अभी सोचूंगा। बट देखते, अगर रिट्रेस हुआ तो देखेंगे, अगर डेटा बुलिश रहा, बुलिश बता रहा है तो एक पुट कॉल का ट्रेड के लिए सोचेंगे, बट अभी के लिए पुट का ट्रेड कैंसिल वो नहीं बनेगा, राइट? ये नीचे रिट्रेस किया, 10-12 पे देख लेते हैं। 10-12 पे क्या हमारा एक कॉल का ट्रेड बनेगा? 10-12 पे ये अभी जो 300 का, क्या ये लोग इंक्रीजिंग है? वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग है? नहीं, डिक्रीजिंग है। वाई चेंज ये भी डिक्रीजिंग है, सॉरी वाई एंड वाई चेंज जो 100% था कभी पहले, ये भी 77% आ चुका है। लाइक हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है, अभी मार्केट है 250 की सपोर्ट पे, 200 के भी सपोर्ट पे नहीं है। अगर 200 की सपोर्ट में रहता तो मैं एक रिस्क बनाने का सोचता, बट अभी 250 की सपोर्ट में है, ऊपर से सपोर्ट नीचे आया है और रेजिस्टेंस भी नीचे आया है, देख लेते ये इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं। ये अभी ये इंक्रीजिंग हो रहा है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वाई चेंज की वजह से हमें जो रेजिस्टेंस 24,250 पे दिखाई दे रहा है, वाई चेंज ऊपर चला जा सकता है 24,500 पे। तब क्या होगा? अगर ये वाई चेंज ऊपर चला गया तो हमारा 24,300 पे अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट? तो अभी के लिए क्या मैं कॉल का ट्रेड बना सकता हूँ या नहीं? सिंपल बात, मैं अभी के लिए मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैं अभी के लिए कॉल का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मेरे को और एक और थोड़ा कैंडल को इधर रहने देना है, उसके बाद ही मैं कॉल का ट्रेड बना सकता हूँ। अगर डेटा बने तो एक कैंडल फिर से इधर लाइक कैंडल लाइन के ऊपर ही, नहीं लाइन के ऊपर तो नहीं बोल सकते, ये ऑलमोस्ट फ्लैट टू फ्लैट लाइन के आसपास ही वेट किया है। और एक कैंडल को देख लेते हैं, ये कैंडल देखो, ये कैंडल एकदम ऊपर उठ गया है। 10-18 पे चलते हैं। 10-18 पे क्या इधर से मेरे को कॉल का ट्रेड बनेगा? पहली चीज देख लेते, क्या जो हमारा वाई चेंज जो रेजिस्टेंस बना रहा था 24,250 पे, ये शिफ्ट होकर 24,500 पे शिफ्ट हो गया है। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस अभी कौन बना रहा है? वॉल्यूम बना रहा है, वो बन रहा है 24,300 पे। देख लेते ये वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, ये वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग ऐसे ही बना रहा तो ये वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जा सकता है, ऊपर शिफ्ट होकर 24,500 पे अपना रेजिस्टेंस बना सकता है, अगर नीचे कोई ना मिले तो। और क्या हम इधर से अभी के लिए एक रिस्की कॉल का ट्रेड बना सकते? अभी के हिसाब से देखो, मार्केट इतना बुलिश तो आपको दिखाई दे रहा है, इधर 90% बुलिश है। क्यों बोली सर? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। ओके, तो दैट्स व्हाई अभी के लिए क्या मैं इधर से कॉल का ट्रेड बना सकता हूँ? मैंने मॉर्निंग पे भी नहीं बनाया था कॉल का ट्रेड, तो मैं इधर दिखाऊंगा नहीं। अगर आपको रिस्की कॉल का ट्रेड बनाना है तो आपको ये देख लेना, ये बुलिश है या नहीं, मैं ये देख लेता हूँ एक बार। देखो, कॉल राइटर भी बुलिश हो रहा है, लाइक इंक्रीजिंग हो रहा है, और पुट राइटर भी इंक्रीज, बोथ आर इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, और ये जो लाइन है हमारा, जो इन लोगों का डिफरेंस बताता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है या फ्लैट टू डिक्रीजिंग जा रहा है। तो क्या मैं इधर से कॉल का ट्रेड बना सकता हूँ? मैं अभी के लिए, मेरे को कॉल का ट्रेड लेना है तो लेना है, 200 से ही लेना है। अभी के लिए मैं कॉल का ट्रेड को इधर से अवॉइड कर रहा हूँ। आप ले सकते हो, एक रिस्क बना सकते हो, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मेरे को लेना है तो मेरे को 200 की जो अपना सपोर्ट मिल रहा है 148, तो इधर से मेरे को कॉल का ट्रेड बनाना है। ओके, चलो देखते हैं एक और एक रिस्ट्रेस के ऑलमोस्ट 10-21 पे देख लेते हैं। क्या 10-21 पे अभी बना ले? तब से बनाने के लिए मन कर रहा है। देख लेते ये वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, ये 51% है, उतना वॉल्यूम नहीं, सॉरी वाई चेंज देखना था। वाई चेंज अभी भी डिक्रीजिंग है, उतना इंक्रीजिंग है नहीं, डिक्रीजिंग ही जा रहा है। तो क्या इधर से एक कॉल का ट्रेड बनाए? मैं अभी भी प्रिफर नहीं करता, आपका ये बुलिश मिल रहा है फिर भी मेरे को इतना मार्केट गिरा है, तो मेरे को 200 की सपोर्ट से मिले, इधर आप ऊपर चले जाओ, ऊपर इधर आ जाओ, इधर आके अगर डेटा बुलिश हो जाए तो मैं इधर से कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। बट अभी के लिए मैं
कोलकाता डिजर्व से नहीं बना रहा हूँ। ओके, ये आगे ऊपर एंड कैंडल ने भी कर दिया बहुत ऊपर क्लोज। देख लेते 1027 पे, 1027 पे पहले रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में वाई चेंज को देखेंगे, वाई चेंज हमारा इधर थोड़ा स्पाइक लिया है 89% ऑलमोस्ट 90%। और ये भी देख लेते क्या नीचे इधर भी बन सकता है, ये अभी तो डिक्रीजिंग ही है। तो हमारा रेजिस्टेंस वैसे ही बन रहा है वॉल्यूम के कारण से 24,300 पे। ऊपर से वाई चेंज आ रहा है नीचे 90% ऑलमोस्ट, लाइक इधर ये शिफ्ट हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो ये हम लिए हमारे लिए कोई इशू है नहीं। दूसरी बात, अभी के लिए देखो ये क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, अभी भी ये डिक्रीजिंग है, लाइक इधर ये शिफ्ट हुआ था, तो अभी के लिए मैं क्या अभी कितना लाइक इधर मार्केट खड़ा है 250, लाइक 300 की जो हमारा सपोर्ट है इधर में मार्केट खड़ा है। अगर मार्केट इधर रिट्रेस करे और डेटा बुलिश दिखा है, मेरे को ऑलमोस्ट दिखा भी रहा है, देखो 90% जो पहले था 13% हुआ है, लाइक 3% ऐसा डिक्रीजिंग हुआ है। अगर ये ऐसे ही बुलिश बनता रहा और नीचे थोड़ा रिट्रेस करने आए तो मैं डेफिनेटली इधर से कॉल के लिए ट्रेड के लिए मैं सोच सकता हूँ, बट अभी के लिए मार्केट में आने के लिए वेट करना है। इधर आया ऊपर, क्या इधर से हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं, देख लेते हैं। 1030 पे चलते हैं, 1033 पे चलते हैं। 1033 पे आ गए और देख इधर अपना मार्केट अभी खड़ा है 300 की रेजिस्टेंस पे। ओके, अभी देखो 300 का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 298 आ रहा है। तो मैं इधर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इधर ये जो है ये रिवर्सल जो ऐसे जो चेंज होता रहता है इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ओके, तो क्या इधर से एक पुट का ट्रेड बनेगा, पुट का ट्रेड बनेगा, देख लेते क्या ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ये थोड़ा सा देखो ये थोड़ा डिक्रीजिंग जा रहा था, थोड़ा सा फ्लैट लिया है, फ्लैट हुआ है, तो मैं इसको तो अभी के लिए इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा। और देख लेते क्या वाई चेंज ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वाई चेंज जो डिक्रीजिंग 63% गया था, ये थोड़ा सा स्पाइक लेकर 71% के आसपास आया, तो मैं भी इसको अभी के लिए इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा तब तक कि जब तक ना ये 75% या 78% के आसपास आ जाए और ये 90% के आसपास आ जाए, तब तक मैं इनको इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा। तो क्या मैं इधर से एक पुट का ट्रेड बना सकता हूँ, तो मेरे को पहली चीज ये देखना पड़ेगा ये बेरिश है या नहीं, ये मेरे को बहुत बड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है, तो मैं अभी के लिए इधर से पुट का ट्रेड को कैंसिल करूंगा। और देख लेते पहली बात को कि ये वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग था, ये वॉल्यूम 78 आया था, उसके बाद 70 ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा ही परसेंटेज इंक्रीजिंग हुआ है, तो ये ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर शिफ्ट भी ना हो, ऐसे ही फ्लैट रह जाए और ये हमारा रेजिस्टेंस लाइक स्ट्रॉन्ग ऐसे ही बना रहे, बट अभी के लिए ये ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस बुलिश हो रहा है। 10 मिनट मार्केट को ये बोल रहा है तुम ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, अगर ये इधर आ जाए तो इधर से हम पुट बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं पुट को अवॉइड करूंगा। ये देखो ये ऊपर भी आ गया, अगर किसी ने इधर से पुट का ट्रेड बनाया ये देख के कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसका हिस्सा गया है। अगर ये ऊपर चला जाए तो ऊपर से पुट बनाएंगे, अगर नीचे फिर से क्लोजिंग दे तो देखेंगे इधर से पुट बनेगा या नहीं। ये नीचे क्लोज दिया, 1045 पे देख लेते हैं। 1045 पे अभी क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है, पहली चीज सपोर्ट अभी क्या ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देख लेते हैं। अभी देखो वॉल्यूम जो फ्लैट हो गया था अभी ये इंक्रीजिंग हो रहा है 91%, वाई चेंज जो 63% हो गया था ये भी इंक्रीजिंग होकर 98% हो गया है। तो इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऊपर आ जाए तो हमारा सपोर्ट अगेन शिफ्ट होकर 300 पे बन जाएगा, तो हमारा सपोर्ट 300 पे इधर बन सकता है। तो क्या इधर से एक पुट का ट्रेड बनाना सही रहेगा, पहली चीज तो मेरे को अगर ये बैरिश मिले तो मैं तब सोच सकता हूँ। देखो ये अभी बहुत ज्यादा बैरिश हो गया, ये जो जैसे बुलिश हुआ था वैसे इससे डबल बोल सकते हो कि ये बैरिश हो चुका है, राइट। और देखेंगे क्या ये इधर वीकनेस है, देख लेते हैं। वॉल्यूम अभी भी फ्लैट बना हुआ है, वाई जो था 100% ये ऊपर चला गया आई थिंक, और वाई चेंज तो नीचे आया, राइट, हाँ नीचे आ गया है। तो क्या हम इधर से एक पुट का ट्रेड के लिए सोच सकते हैं, ये भी बैरिश है, सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको आप सोच तो आप ये अवॉइड करोगे, क्यों, सपोर्ट ऊपर आ रहा है और सपोर्ट ऐसे ऊपर आया, ऊपर से मार्केट भी मेरे को अभी 100% लाइक ये पुट की राइटिंग 100% दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है मार्केट और बुलिश हो जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है, और बुलिश हो सकता है, बट ये वॉल्यूम अभी भी उतना इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, वैसे ही फ्लैट बने रहा है, तब से ये फ्लैट है। ऊपर से जब इधर से हम पुट के लिए सोच रहे थे तो ये पहले बुलिश हो रहा था, बट अभी के हिसाब से ये बैरिश है, बहुत ज्यादा ही बैरिश है। तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, एसएल को एकदम टाइट रखना है क्योंकि इतना बड़ा कैप्चर हमने नहीं किया है, एक फोमो तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरे को भी आता है बहुत ज्यादा। एक छोटा सा ट्रेड के लिए हम ले सकते हैं, आप इसका एसएल को लाइक टाइट रखना, एसएल को पक्का लगा के रखना, आप एक रिस्क ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, देखो ये पहले चीज दिखाई दे रहा है आपका, तो सब रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 300 पे, अगर मार्केट 325 ऊपर लाइक 25 पॉइंट ऊपर आ जाए, आपको रेजिस्टेंस इधर दिखाई देगा 350 का, क्यों, क्योंकि लाइक इन दोनों का जो 25% लाइक 25 इन लोगों का अगर क्या बोले इसको 50% देखा जाए, 50 एंड 30 300 इन लोगों का जो 50% आता है 325 आता है,
अगर ये 326 आ जाए, लाइक अगर मार्केट 326 तक चला जाए तो हमारा रेजिस्टेंस 350 पे शिफ्ट हो जाएगा, तब हमारा रेजिस्टेंस ये बन जाएगा और ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ऐसा ये रिस्की, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड बनेगा, तो आपको सोच समझ के ट्रेड लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं इस ट्रेड को भी अवॉइड करता सच्चे में। मैंने जैसे इस ट्रेड को इतना बार इस ट्रेड को अवॉइड किया है, तो मैं इस ट्रेड को भी अवॉइड करता, बट एक ट्रेड इधर से ले रहे हो, देखते हैं, देख लेंगे बार बार इसका डेटा देखेंगे। 1048 पे चलते हैं, 1048 पे देखो वाई चेंज आई थिंक जो शिफ्ट हो गया राइट अभी, हाँ वाई चेंज अभी हमारा शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम कीप इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या ये अभी भी बेरिश है, देख लेते ये बेरिश है। अभी मैं ना ये 300 का भी देखूंगा क्या ये बेरिश है, बट ये देखो ये बुलिश हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इधर साइडवेज हो जाए, थोड़ा बहुत इधर साइडवेज हो जाए, ऐसे आपका टारगेट ऐसे है इधर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि 300 वाला बुलिश हो रहा है, 350 वाला बेरिश हो रहा है। अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो 350 वाला ये जो जितना बेरिश आपको दिखने को मिल रहा है ये कभी भी लाइक पलट सकता है, बुलिश भी हो सकता है। बट अभी के हिसाब से क्या मेरे को इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए? अगर कैंडल ऊपर क्लोज करेगा तो मैं सोचूंगा इस ट्रेड से निकल जाने की बात सोचूंगा। अभी के हिसाब से कैंडल ने भी नीचे क्लोज किया है तो मैं डेफिनेटली इधर बैठा रहूंगा। अभी भी कैंडल नीचे क्लोज किया है, कैंडल लाइन टू लाइन लाइक एकदम लाइन पे क्लोज किया है, ऑलमोस्ट नीचे ही बोल सकते हो। ये आया थोड़ा सा एक कैंडल बहुत कोशिश करने के बाद ऊपर क्लोज दिया है, देख लेते क्या निकल जाना चाहिए 1057 पे देखते हैं 1057 की क्या ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग कर रहा है, अभी वॉल्यूम बुला रहा है ऊपर, अभी भी ये वॉल्यूम उतना ही डिक्रीजिंग है, इधर फ्लैट बोल सकते हो। वाई 90% हो रहा है, वाई चेंज देख लेते हैं। वाई चेंज डिक्रीजिंग आ गया था, 91% आ गया था, 91% से 95% के आसपास चला गया, तो ऐसा हो सकता है वाई चेंज ऊपर चला जाए। एंड अगर वाई चेंज ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम, अगर वाई चेंज ऊपर चला जाए तो वॉल्यूम को ऊपर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो क्या इस ट्रेड में अभी भी बने रहना सही रहेगा? देख लेते हैं ये बेरिश है या बुलिश। देखो अभी ये नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, देख लेते हैं ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या मैं इस ट्रेड में बना रहा हूँ? देखो अभी सपोर्ट ऊपर आ रहा है, सपोर्ट हमारा ऊपर आ चुका है, नॉट आ रहा है, सपोर्ट ऊपर आ गया है ऑलरेडी, और सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वॉल्यूम भी आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मेरे को अभी क्या करना चाहिए? 300 की सपोर्ट से मेरे को या 250 की सपोर्ट से मेरे को नीचे आ जाए तो कॉल के लिए सोचना चाहिए। बट अभी के लिए क्या इस पुट की ट्रेड में बने रहना सही रहेगा? मेरे हिसाब से अभी के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वाई चेंज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये वॉल्यूम थोड़ा बहुत लाइक क्या बोल सकते हो, फ्लैट है। एक और कैंडल देख लेते हैं, ये कैंडल नीचे आया, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, मैं बोलूंगा आप इधर कैंडल को क्लोज कर, लाइक मैं देख लेता हूँ इसका डेटा, अगर डेटा वैसे ही फ्लैट रहा तो देखेंगे सोचेंगे रहने के। देखो ये वाई चेंज ऊपर शिफ्ट हो गया, देख लेते हैं, ये अभी भी 95% ही है, इतना इंक्रीजिंग तो फ्लैट हो रहा है, 95% ही है। क्या वाई चेंज नीचे आने की कोशिश कर रहा है? वाई चेंज नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। इधर भी देख लेते हैं क्या ये कोशिश कर रहा है वाई चेंज नीचे आने की। देखो ये वाई चेंज इधर इतना इंक्रीजिंग था 91%, अभी 92% ही हुआ है। वॉल्यूम को भी देख लेते इसका, अगर वाई चेंज देख रहे वॉल्यूम तो पूरा फ्लैट हो गया है। क्या इस ट्रेड में अभी तो कैंडल नीचे आ गया है पूरा, अगर चाहो तो आप रह सकते हो अभी के हिसाब से। देख लेते ये क्या अभी बेरिश है या अभी भी बेरिश है? आप अगर आप ये ट्रेड को अवॉइड कियो क्योंकि सपोर्ट ऊपर आया है और ये वाई चेंज भी ऊपर चला गया है, अगर इस ट्रेड को आपने अवॉइड किया तो बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत बढ़िया किया है। मैं भी होता लाइक इसको अवॉइड करता, बट अभी के लिए कैंडल जब नीचे क्लोज गया तो मैं रेगुलेटली अभी के लिए मैं बना रहूंगा। ओके, और इसका टारगेट आ रहा है, आप इसको टारगेट भी मान सकते हो, इधर आप इधर कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल भी सकते हो, क्योंकि मार्केट मेरे को बुलिश होते हुए दिख रहा था ऊपर, आपको ये टारगेट आ गया, ऐसा भी हो सकता है तुक्के से टारगेट आ गया है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे। ऐसी बात नहीं है कि आपका टारगेट आया तो दैट्स मीन आपका एनालाइज लाइक जो आपने ये ट्रेड लिया था ये सही था, बट ये बहुत ज्यादा ही रिस्की था। आप बोल सकते हो क्यों रिस्की था? ऊपर से मार्केट बुलिश था, सपोर्ट ऊपर आ रहा था, रेजिस्टेंस का वाई चेंज छोड़ के भाग गया ऊपर, ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, इसको अगर ये इंक्रीजिंग रहना है तो ये भी ऊपर जाने में, सॉरी 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 गाइस, ये फिर से करना पड़ेगा, एक सेकंड मैं ये कर लेता हूँ, ये इधर इतने में था राइट, हाँ मैं जो बोल रहा था, तो ये ट्रेड वैसे ही बहुत ज्यादा ही रिस्की बन रहा था क्योंकि सपोर्ट भी ऊपर आ रहा था, दैट्स वाई हम डेफिनेटली इधर से इस ट्रेड को आप अवॉइड करना चाहते तो आप अवॉइड डेफिनेटली कर सकते थे। ओके, अभी के लिए टारगेट मिला है, आप टारगेट भी पकड़ सकते हो, इधर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप इधर से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकाल भी सकते थे। अभी देखते हैं अगर ये कितना बजे आ रहा है, 11:03 पे चलते हैं, 11:03 पे क्या ये वॉल्यूम अभी भी इंक्रीजिंग कर रहा है? वॉल्यूम अभी भी इंक्रीजिंग है, लाइक इंक्रीजिंग तो है, क्या ये अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है? देख लेते हैं, अभी तो ये डिक्रीजिंग जाते जाते फ्लैट हो गया है, ये गलत होगा अगर ये फ्लैट हो जाए तो, मैं बताऊंगा क्यों। और ये वाई चेंज भी फ्लैट है, इंक्रीजिंग तो है नहीं उतना, ये इधर तो वाई थिंग है और वॉल्यूम भी फ्लैट है। अगर ये ऐसे ही फ्लैट रह गया तो, अगर मार्केट को ऐसे अगर नीचे आता रहा
तो ऐसा हो सकता है कि हमारा वाई चेंज इधर शिफ्ट हो जाए और मार्केट का पूरा सेंटीमेंट फिर से बैरिश हो सकता है। देखो इधर 92%, 93%, 83%, वाई चेंज को आने जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वाई चेंज बहुत जल्दी डिक्रीजिंग होता है, बहुत जल्दी इंक्रीजिंग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये देखना, ये वाई चेंज निकल के इधर भी आके हमारा सपोर्ट फिर से 200 पे बना सकता है। तो अभी के लिए अगर आप इधर से पुट के लिए सोच रहे हो, अभी के डेटा के हिसाब से पुट के लिए सोचना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि अभी तो हमारा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है 24,300 पे। इसका वीकनेस फ्लैट है, डिक्रीजिंग नहीं है, तो आप इधर से कॉल के लिए भी नहीं सोच सकते। अगर ये ऐसे इंक्रीजिंग रहा, फ्लैट नहीं रहा, 95% हो गया, तो आप इधर से पुट के लिए सोच सकते हो। अगर ये भी, ये वॉल्यूम जो आपको 95% दिख रहा है, अगर ये फ्लैट हो गया, इधर डिक्रीजिंग हो जाए तो, ना इधर ऐसा हो सकता है कि ये वाई चेंज नीचे शिफ्ट हो जाए, ये इधर इधर शिफ्ट हो जाए, इधर इधर शिफ्ट हो जाए और वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो हमारा सपोर्ट में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, वो फिर से 300 पे हमारा सपोर्ट बने रहेगा। तो क्या से क्या होना चाहिए? पहली चीज, इस जो ये आपका जो वीकनेस दिख रहा है, इसको फ्लैट टू डिक्रीजिंग जाना चाहिए, इसको इंक्रीजिंग होना है, और ये भी इंक्रीजिंग हो सकता है। ये इंक्रीजिंग हुआ तो बहुत बढ़िया, तो आप इधर से पुट का ट्रेड देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं कॉल भी नहीं बना पाऊंगा, ना इधर से पुट भी नहीं बना पाऊंगा, जब तक पुट नहीं बना पाऊंगा कि ये जो वीकनेस है ये फ्लैट टू डिक्रीजिंग चला जाए और ये थोड़ा इंक्रीजिंग आ जाए, तब तक मैं इधर से पुट के लिए नहीं सोचूंगा। ओके, अभी के लिए देखते क्या होता है। कैंडल नीचे क्लोज किया, क्या इसका नीचे क्लोज में हम बना सकते थे 11.6 पे? देखते, लेट्स सी। देखो पहली चीज, वाई चेंज का वीकनेस क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है। ये वाई चेंज थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग जा रहा है 93 to 92, और ये जो 95 था अभी ये फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर से जो फ्लैट था। और ये वाई चेंज क्या हो रहा है? ये वाई चेंज ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हो, लाइक अभी ऐसा हो सकता है कि हमारा वाई चेंज इधर शिफ्ट हो जाए। बट फिर से वही बात, अगर ये वाई चेंज इधर भी शिफ्ट हो जाए और ये वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाए, वैसे तो हमारा 300 पे हमारा सपोर्ट बना रहेगा ना, तो इधर से पुट का ट्रेड अभी भी थोड़ा सा रिस्की बनेगा, थोड़ा सा रिस्की बनेगा, ज्यादा रिस्की नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को ऐसे आने जाने में थोड़ा सा टाइम इसको लगता है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत संभाल के देखना है अगर ये आप पुट का ट्रेड बना रहे हो। बट मेरे लिए अभी तो इधर से पुट का, इधर कॉल का कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। चलिए दूसरा कैंडल देखते, लाइन के लिए वेट करते, इधर से क्या पुट बना ले। 11-12 पे चलते हैं। 11-12 पे पहली चीज, वाई चेंज जो इधर था शिफ्ट हो गया है, क्या रेजिस्टेंस नीचे आने की कोशिश कर रहा है? फिर से रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। जो 94% हुआ था वो 77, मतलब वाई चेंज बोल रहा है मैं भाग रहा हूँ इधर से, मेरा क्षमता है नहीं इधर आने का। तो वाई चेंज ऊपर चला गया है, क्या वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है? वॉल्यूम जो इधर फ्लैट था, लाइक इधर से जो डिक्रीजिंग जो फ्लैट था 78 था, वो अभी थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है 0.6% के आसपास। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लाइक अगर ये अगर इंक्रीजिंग रहा तो वॉल्यूम ऊपर चला गया तो हमारा रेजिस्टेंस 500 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वॉल्यूम का वीकनेस खत्म हो गया है और नीचे आने की कोशिश करे तो वॉल्यूम नीचे आ गया तो हमारा सपोर्ट 24,000 बन जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, बट अभी के लिए ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है तब तक कि जब तक ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग ना रहे, इधर ये डिक्रीजिंग ना रहे। ओके, अभी के लिए कैंडल ऊपर आया 11-12 पे, देख लेते क्या इधर से पुट बना सकता है। पहली चीज तो ये वॉल्यूम जो इंक्रीजिंग था अभी थोड़ा फ्लैट हो रहा है, बट इसका परसेंटेज खतरनाक है, लाइक 97%। अगर इसको 100% होना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं इधर से पुट का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अब अगर पुट का ट्रेड इस 97% को, लाइक ये तो उतना है नहीं, 97% ही है, आप ये देखो कि और ये उतना भी इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। आप अगर इसके हिसाब से पुट का ट्रेड बना रहे हो तो मैं बता दूं, ये 97 से 100% जाना में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये 100% हो गया और मार्केट इधर अगर साइडवेज हो जाए तो ये वाई चेंज फिर से इधर आ जाएगा, तो आपका डेफिनेटली इधर एसएल जा सकता है या आप कंसोलिडेशन में फंस सकते हो। तो मैं इधर से भी ट्रेड अवॉइड करूंगा, मेरे को कैपिटल बचाना है, मेरे को ट्रेड लेके प्रॉफिट नहीं बनाना। प्रॉफिट तो डेफिनेटली बनाना है, बट उसके पहले मेरे को कैपिटल को भी सेव करना है। 11:15 पे चलते हैं। 11:50 पे अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो वॉल्यूम का वीकनेस जो हमारा 97 हो रहा था, ये डिक्रीजिंग, थोड़ा सा डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग में नहीं बोल सकते, ये फ्लैट हुआ है, फ्लैट टू डिक्रीजिंग होकर 96 हुआ है, और इधर एक और रिट्रेस मिला था 9:15 पे, और वाई चेंज भी अभी जो इधर शिफ्ट हो गया था ये फिर से ऊपर आ गया। देखते क्या वाई चेंज ऊपर आ सकता है। ये 100 था, 100 से डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा अपना मूव लाइक सीधा हुआ है, बट स्टिल ये जो है ये ट्रेड अभी भी मेरे लिए रिस्की बनेगा तब तक जब तक ना ये 80% के नीचे आ जाए और ये 90% के नीचे 85% के आसपास आ जाए, तब तक मैं इधर से पुट नहीं बनाऊंगा। अगर मार्केट इधर से बहुत बड़ा टारगेट भी दे दे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा कुछ भी करके। ओके, मेरे को ये 90% के नीचे 85 के आसपास चाहिए, और ये भी मेरे को 85 के नीचे मिले तो सही है, मैं सोचूंगा, बट 80% के नीचे मिले तो मैं डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड के लिए
सोचूंगा, ओके अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा। ये नीचे आया आधा, आपको आधा टारगेट दिया, अगर किसी ने पुट कटेड इधर से बनाया है तो उसको अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है, ओके? एक इधर रिट्रेस मिला, क्या इस रिट्रेस से एक पुट कटेड बना ले। अभी 1136 पे चलते हैं, 1136 पे आ गए। अभी देखो ये वीकनेस खत्म नहीं है, इधर वीकनेस वाई चेन जो ऊपर भाग गया था नीचे आ गया है। वॉल्यूम क्या डिक्रीजिंग जा रहा है, देखो अभी वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग जा रहा है बट अभी भी ये 92% के आसपास ही है। इसको थोड़ा और जाए तो बढ़िया है। अब मैं अभी खड़ा हूँ, देखते किधर 250 की रेजिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो मैं देखना पड़ेगा ये अगर बेरिश रहा तो मैं अभी के हिसाब से एक पुट का ट्रेड इस रिट्रेस से सोच सकता हूँ, ओके? लेट्स सी, ये इधर से एक रिट्रेस से हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जो वाई चेंज ऊपर था मैंने बोला था जो मेरे को 80% के आसपास नीचे डिक्रीजिंग चाहिए, ये पूरा खत्म हो गया है। एंड ऑल्सो ये 92% है, अभी भी एक काइंड ऑफ रिस्की है, ऐसा हो सकता है सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होकर अपना रेजिस्टेंस 300 पे बना ले फिर से, बट स्टिल ये डिक्रीजिंग है और ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस भी बेरिश बोल रहा है, तो मैं एक रिस्क इधर से डेफिनेटली बनाने के लिए सोचूंगा, ओके? ये हमारा टारगेट रहेगा 51 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के आसपास एसएल रहेगा, राइट? ये कितना पॉइंट का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट देख लेते हैं, 25-26 पॉइंट का टारगेट दिया था। तो आपको ऐसा करना है कि देखो अगर आप ये 50 पॉइंट का तो आपको टारगेट है, अगर 25 पॉइंट के आसपास मूव कर जाए या 25 पॉइंट के ऊपर मूव कर जाए, एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। हर एक चीज पे ऐसे ही कराना, अगर ऐसे आपका प्रॉफिट कम ऐसा हो सकता है, ये ऊपर टच करके तो एसएल के आसपास थोड़ा सा जाके फिर नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये जो है ट्रेल को थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है या इस एसएल को ट्रेल करके, राइट? अभी के लिए देखते हैं, ये ऑलमोस्ट इधर आ गया। अब अगर आपने इधर इसको ट्रेल करके इतना कॉस्ट टू कॉस्ट किया है तो आपका ये ट्रेड निकल गया, ऐसा भी हो सकता है नीचे आ जाए, नीचे आके आपको टारगेट दे दे अभी, बट स्टिल देखते हैं नीचे आता है या नहीं। ये तो नीचे आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर इधर आप बैठे हुए हो तो आप इधर टारगेट ले सकते हो, बट प्रेफरेबल है आप इसको इस एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो और इधर से एसएल लेके थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ब्रोकरेज वोकरेज देके प्रॉफिट लेके थोड़ा सा आप इतने में इधर अगर इधर आपने ट्रेल कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके इधर से निकल सकते हो। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मार्केट नीचे आए तो हम देखेंगे पुट कॉल इधर पुट बना सकते, इधर ऊपर जाए तो तभी सोचेंगे कॉल या पुट बना सकते या नहीं। ये आ गया ऊपर, देख लेते इधर 1218 पे चलते हैं, 1218 पे आ गए। 1218 ने क्या क्या हुआ है, 250 की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमारा ये कैंडल ने दिया है क्लोज, ओके? इसका मतलब हम है अभी 300 की सपोर्ट से। क्या हम अभी इधर से कॉल के लिए बाय कर सकते हैं? पहली चीज, सपोर्ट जो इधर था, जो वाई चेंज था इधर, वो नीचे शिफ्ट हुआ है, अभी थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग हो रहा है, जो 67 चला गया था, आई थिंक सो 62 गया था, वो ऊपर थोड़ा सा 77 हो गया और फिर से थोड़ा सा फ्लैट टू डिक्रीजिंग जा रहा है। ऊपर से ये वॉल्यूम जो इंक्रीजिंग था फ्लैट था इधर आप बोल सकते हो, ये भी डिक्रीजिंग जा रहा है। तो क्या इधर से आप एक पुट कॉल के ट्रेड बना सकते हो? अभी के लिए प्रेफरेबल है नहीं, मेरे को कॉल का ट्रेड लेना है तो 200 के से ही लेना है इधर, टू अगर मार्केट और नीचे आ जाए तो 150 से ले सकते हैं, 250 के सपोर्ट पे आए तो देखेंगे, और पुट लेना है तो 300 के रेजिस्टेंस से पुट के लिए सोच सकते हैं, बट इधर से मैं कॉल के लिए डेफिनेटली नहीं सोचूंगा, ओके? ये आ गया कैंडल बहुत ज्यादा नीचे, एक बार देख लेते क्या इधर से एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है। 1242 पे चलते हैं, 1242 पे हम है, कभी हम किधर है, हम 250 की रेजिस्टेंस पे, 250 की रेजिस्टेंस पे। क्या ये वीकनेस अभी भी बढ़ रहा है इधर? अभी भी ये डिक्रीजिंग है, देख सकते हो ये डिक्रीजिंग होकर फ्लैट हो रहा है, और हम अभी है 1242, और ये देख लेते क्या ये स्ट्राइक प्राइस बेरिश है। पहले जो बेरिश था, देखो इतना तो बेरिश था, बट ये जो हाई बन रहा था इधर, देखो W बना के जो हाई, ये हाई बन रहा था, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये बुलिश हो जाए। तो क्या इस पुट का ट्रेड में हम बन सकते हैं? इस पुट का ट्रेड में अभी के लिए अगर इसको मेरे को बनाना है तो इसको थोड़ा सा बेरिश जाना पड़ेगा इधर, थोड़ा सा अगर डीप आ जाए नीचे, ये भी देख लेते थोड़ा। ये देखो कॉल राइटर जो दिखने को मिल रहा है डिक्रीजिंग जा रहे, पुट राइटर वैसे की वैसे ही बने रहे, मार्केट तो नीचे आ रहा है तो कॉल राइटर को तो एग्रेसिव ऊपर जाना चाहिए ना, कॉल राइटर है आफ्टर ऑल, बट मार्केट नीचे आ रहा है स्टिल कॉल राइटर उतना नहीं दिखा रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। पुट राइटर क्या है, पुट राइटर अभी भी फ्लैट टू इंक्रीजिंग बोल सकते हो, उतना भी इंक्रीजिंग नहीं है। तो क्या इधर से पुट के ट्रेड मैं बना सकता हूँ? मैं अभी के लिए इधर से पुट का ट्रेड अवॉइड करूंगा, ओके? ये आ गया, आई थिंक मार्केट नीचे आ गया, नहीं नीचे नहीं आया अभी तक, ये ऑलमोस्ट आ गया हमारा मार्केट नीचे, राइट? चलिए देखते कितना बजे ये आ रहा है हमारा, 1121, राइट? 121 पे हमारा जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है वो 250 की सपोर्ट पे हुआ है, ओके? 250 की सपोर्ट पे हमारा कैंडल क्लोजिंग हुआ है। देख लेते क्या इधर से एक रिस्की कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। ये 100% हुआ था, फिर थोड़ा सा डिक्रीजिंग गया है,
लाइक ऑलमोस्ट 100% ही बोल सकते हो आप इसको। वॉल्यूम तो इधर बैठा हुआ है, इसको देख के कोई फायदा है नहीं, देख लेते ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो रहा है तब से, देख लेते नीचे वाला वॉल्यूम इसको बुला रहा है क्या, ये भी फ्लैट टू डिक्रीजिंग ही है, लाइक ये नीचे इसको इस वॉल्यूम को नहीं बुला रहा है, और ये वाई चेंज ऊपर था इधर 100% था, ये नीचे शिफ्ट हुआ है। अभी मार्केट है 250 की सपोर्ट पे, 250 की सपोर्ट में 200 मेरे को बुलिश चाहिए, देख लेते ये बुलिश है या नहीं। पहली बात ये कंसोलिडेशन बोल सकते हो, फ्लैट बोल सकते हो, ओके ये बुलिश है नहीं उतना, ठीक है बढ़िया बात। तो एक अगर फ्लैट हुआ तब भी हम कॉल के लिए सोच सकते हैं अभी के हिसाब से, ओके तो देख लेते ये रेजिस्टेंस नीचे आने की कोशिश कर रहा है क्या। ये देखो वाई चेंज थोड़ा सा इंक्रीजिंग होके कितना आया, ये ऑलमोस्ट 78 के आसपास आया है, देख लेते ये भी नीचे आ रहा है क्या। देखो ये अगर देखा जाए ये थोड़ा डिक्रीजिंग जा रहा है, ये वाई चेंज डिक्रीजिंग जा रहा है, ये वाई भी डिक्रीजिंग जा रहा है, ये वॉल्यूम तो इधर बैठा हुआ है, ओके वाई चेंज हमारा नीचे आने की कोशिश तभी मानेंगे जब ये हमारा 80% के ऊपर हो जाए, 80% 85% के ऊपर हो जाए तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ओके तब तक के लिए ये इतना इंक्रीजिंग नहीं है। और 200 का ये क्या बुलिश है देख लेते हैं, ये उतना बुलिश है नहीं बट फ्लैट है, बेरिश भी नहीं बोल सकते। तो रेजिस्ट अगर मैं इस इधर एक फुट का लाइक कॉल के लिए सोच सकता हूँ बट रिस्की कॉल बनेगा, आपको देखता रहना पड़ेगा। अगर ये 80% के ऊपर या 85 के आसपास आ जाए तो डेफिनेटली इस कॉल के ट्रेड से आपको निकल जाना पड़ेगा, क्यों रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होकर 250 पे अपना रेजिस्टेंस बना सकता है और ऊपर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है सपोर्ट ऊपर जाने का, ऊपर से ऐसा नीचे ये दोनों बैठे हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है ये दोनों वॉल्यूम को भी नीचे बुला ले, ओके 76% है, 80% 85% जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इधर भी न्यू वीकनेस क्रिएट हो जाए, जो डिक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग हो सकता है। तो आपको संभाल के एक देख लेते फिर से, अगेन देख रहे हैं हम बार बार देख लेते एक बार, सोच समझ के ट्रेड बनाना है। इधर से एक रिस्की कॉल का ट्रेड बना सकते हो, एसएल रहेगा 20 पॉइंट का, टारगेट रहेगा 49-50 पॉइंट का। अगर ये इधर शिफ्ट मतलब 85 के ऊपर आ जाए तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, सिंपल ऊपर आया देख लेते क्या ये शिफ्ट हुआ है 124 पे देखते हैं, अभी भी ये फ्लैट ही बना रहा है, ओके ये अभी भी फ्लैट ही है क्या, इधर ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग कर रहा है अभी, ये भी फ्लैट है उतना इंक्रीजिंग नहीं। अगर ये वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाए तो ये कॉल के ट्रेड पे आप बने रह सकते हो, अगर ये ऐसे ही फ्लैट रह जाए या 75 के आसपास आ जाए तो अभी के लिए कोई इशू नहीं है। देख लेते ये बुलिश है या बैरिश हो रहा है, ये अभी भी फ्लैट ही है, उतना बुलिश भी नहीं उतना बैरिश भी नहीं हो रहा है। ये आ गया नीचे कैंडल क्लोज, क्या अभी निकल जाना चाहिए 127 पे देख लेते हैं। 127 पे जो वाई चेन छोड़ के भाग गया था हमको वो अभी ऊपर आ रहा है, ऊपर आके बोल रहा है 2200 पे मैं अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा वॉल्यूम के साथ मिलके, ओके ये ऊपर आके अपना वॉल्यूम के साथ सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऊपर से क्या ये इंक्रीजिंग हो रहा है देख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट अपना हाई लगाया था 82 के आसपास, अभी भी उसके आसपास ही घूम रहा है। अगर ये इस हाई को 82 के हाई को ब्रेक कर दे तब हम सोचेंगे इस ट्रेड से निकल जाए, बट अभी के लिए ये उतना है नहीं। नीचे वाला स्ट्राइक पास अगर बैरिश भी हो जाए तब भी हम इधर कॉस्ट कॉस्ट देके निकल सकते हैं। अगर देखो ये आपको बोलो ये बैरिश हो रहा है बट ये बैरिश नहीं उतना, ये बोल सकते हो फ्लैट हो रहा है, फ्लैट टू बैरिश आप बोल सकते हो क्योंकि कॉल राइटर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पुट राइटर भी थोड़ा इंक्रीजिंग होने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट मतलब ये स्ट्राइक प्राइस में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो रुक जाते देखते क्या होता है, ये कैंडल आए ऊपर अगेन क्लोज आया 130 पे देखते, या अगर ये इधर इंक्रीजिंग ऐसे रहा तो हम डेफिनेटली इधर से निकल जाएंगे। 84% 85% के आसपास आ रहा है, ये इसको भी ब्रेक कर दिया है देख लेते थोड़ा सा 3 मिनट मूव करके फिर से ये डिक्रीजिंग जा रहा है। तो अभी के लिए थोड़ा सा आप इधर से रह सकते हो और इधर अभी के हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दे सकते हो। तो कॉस्ट कॉस्ट ट्रेल करोगे तो आपका कोई लाइक टेंशन नहीं रहेगा कि आपका एसएल जाने का, तो आपका एसएल नहीं जाएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इधर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके भी रह सकते हो अभी के हिसाब से, क्यों ऐसा हो सकता है रेजिस्टेंस अगर वाई चेंज ऐसे इंक्रीजिंग रहा 82% है, इसका मतलब ये नहीं इसका परसेंटेज उतना है नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये इंक्रीज होकर 90% 100% भी हो सकता है। अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया 250 पे शिफ्ट हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस 250 पे बन जाएगा, ओके मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो तब के लिए आपको टारगेट मिलने में अगर ऐसे ही सिनेरियो बना रहा है ऐसे ये स्ट्राइक प्राइस भी बुलिश रहा और वाई चेंज अगर अपना रेजिस्टेंस इधर बना ले तो आपको ये टारगेट मिलने में टाइम लगेगा, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन होने की चांसेस इधर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें कंसोलिडेशन में उतना पड़ना नहीं है। ओके तो देखते हैं कैंडल क्या होता है, अभी कैंडल भी लाइक उतना भी बड़े बड़े कैंडल नहीं, छोटा छोटा कैंडल बना ले देख लेते 136 पे अभी भी उतना इंक्रीजिंग है नहीं बट स्टिल मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। आओगे तो आओ अभी एसएल लेके जाओ मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जाओ बट मेरे को अभी एसएल जाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ओके देखते टारगेट आता है या नहीं, ये इधर कोई चाहे तो देख, अगर ये इंक्रीजिंग रहा तो इधर कोई चाहे तो इधर बुक कर सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, बट प्रेफरेबल आपको टारगेट के लिए वेट करना है। बट अभी जो सीन हो रहा है ये जा रहा है डिक्रीजिंग, ये उतना इंक्रीजिंग है नहीं, जो इतना इंक्रीजिंग 84% हुआ था
अभी जा रहा है ये डिक्रीजिंग, क्या अभी रेजिस्टेंस नीचे और कोई इधर वॉल्यूम का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, वाई भी नहीं आना चाहता है, रेजिस्टेंस अभी 300 मतलब इधर ही बनते हुए लाइक 3192 इधर ही बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको एक टारगेट तो इधर तक मिलना चाहिए। ओके 2 बजे तक तो वैसे मैं ट्रेड करता हूँ, 2 बजे तक दो ऑलरेडी बच चुके हैं, अगर आपने प्रॉफिट को ट्रेल करके कॉस्ट वॉस किया है तो ट्रेल करके प्रॉफिट को थोड़ा सा और बढ़ा लो, अगर आपका मार्केट नीचे भी आ जाए तो आपका ज्यादा लाइक थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बच जाए, तो आप ब्रोकरेज देके भाग लाइक थोड़ा सा ब्रोकरेज के लिए भी आपका पैसा बच जाए राइट, और थोड़ा सा भी अपने लिए भी बचा लेना। चलिए देखते ऊपर जाते, ये ऊपर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट ऊपर आ गया, ये टारगेट आने में बहुत देर लगाया, देख लेते एक बार 215 पे, 215 पे अभी तो ये ऊपर भाग गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप इधर बैठे बैठे रह सकते हो। क्यों बैठे रह सकते हो, जो वाई चेंज इधर नीचे आने की कोशिश कर रहा था वो इधर है नहीं, ऊपर चला गया, वाई चेंज जो इधर था वाई चेंज इधर था या इसका वीकनेस इधर था आई थिंक सो, इधर ये नहीं था इसका वीकनेस था, ये वीकनेस अभी भी उतना फ्लैट है, बट देखते हैं वॉल्यूम क्या इंक्रीजिंग कर रहा है, वॉल्यूम उधर अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है, बट जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था वो था ये वाई चेंज का वीकनेस जो अभी है नहीं, जो ऊपर चला गया है। अभी मार्केट है 300 की रेजिस्टेंस पे, तो 300 की सपोर्ट पे, अगर ये मेरे को बुलिश देखने को मिला, ये अगर इस हाई को ब्रेक करते हुए मिला, तो मैं इसको इतना तक टारगेट ले सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, इसमें से टारगेट लेने से आपको इधर फेल करके अपना प्रॉफिट को इधर कॉस्ट कर देना है। देखते हैं ऑलमोस्ट 215 हो चुका है, मेरे हिसाब से तो मैं होता तो इधर इस कैंडल का अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाया होता, वैसे मैं 2 बजे तक करता हूँ, देख लेते ये कैंडल ऊपर जाता है या नहीं, ये आ गया उतना एकदम ऊपर 224 तक, देखते हैं क्या कोई डेटा चेंज हो रहा है। अभी देखो 300 स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप इस ट्रेड पे अभी भी बने हो तो अभी इधर से निकल जा सकते हो, क्योंकि अभी ये रिजेक्शन भी ले रहा है और तब से ये थोड़ा बहुत इधर डीके भी मिला है आपको, इधर थोड़ा सा ही मिला होगा बट आपको इधर स्पाइक में मिल भी रहा होगा, तो आप अगर इस ट्रेड में हो अभी के लिए आप इधर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऑलमोस्ट 130 हो भी गए राइट, 230 हो गए, हमारा ट्रेडिंग सेशन इधर क्लोज भी हो गया है। आपको इधर ये अगर इधर आपका अपने अभी इधर कॉस्ट वॉस ट्रेल नहीं किया होता तो आपको इतना टारगेट मिलता, बट ऐसा भी है अगर आपने इधर कॉस्ट वॉस किया है तो आपका टारगेट इधर लाइक नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट इधर कॉस्ट वॉस निकल गए हो, ये भी आपको कॉस्ट वॉस निकला है क्योंकि ये ऊपर चला गया था बाद में मार्केट, एक टारगेट मिला है बट ये बहुत ज्यादा रिस्की था, ये रिस्की ट्रेड आप अवॉइड भी कर सकते थे, आप ऐसी बात नहीं आपको टारगेट मिला है दैट्स मीन आपको आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है, ऐसी नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की था, तो आपने अगर इधर से इस ट्रेड को अवॉइड किया है तो डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया किया है, और ये भी ये ट्रेड स्पाइक में अगर एंट्री कर पाए तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, बट अभी के लिए तो हमें इसल उतना टोटल 4 ट्रेड बने हैं हमारा, 2 ट्रेड पे प्रॉफिट है, एक बहुत ज्यादा रिस्की बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड था ये, एक ट्रेड में प्रॉफिट पक्का बनता था और इधर दोनों में कॉस्ट वॉस बनाए, दैट्स ऑल इतना तक ही था, अगर मैंने कुछ गलती किया है तो प्लीज मेरे को बताना, डेफिनेटली मैं करेक्ट कर लूंगा, लाइक मेरा भी कभी कभी गलती होता है बहुत ज्यादा, प्लीज मेरे को बताना। सर हो गया, हर्षद सर या कल्पेश सर है कोई है क्या? हाँ सर डाउट्स ले लो, डाउट्स ले लो। अच्छा अच्छा, हाँ सर जिसको भी कुछ डाउट्स लेना है प्लीज अपना हैंड रेज कर लो, मैं तो आई थिंक आई डोंट नो मिथुन सर ये लोग, अच्छा सब अनम्यूट है। हाँ सर बोलिए बोलिए। ओके ओके सर, विवक सर कुछ बताना है तो बता लो सर, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो यार, अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो प्लीज वो भी करेक्ट कर लो मेरे को, मेरा मेरा ही भला हो जाएगा ऊपर से, आई थिंक किसी का डाउट है नहीं। अब बताओ सर, सर लाइक किसी का डाउट है तो हैंड रेज करें, वो अभी बताने में सक्षम है बता देंगे, हम भी हैं। अब बताओ मिथुन सर मैंने कुछ गलती क्या क्या एनालिसिस पे? नहीं नहीं सर बहुत अच्छा था एनालिसिस सबका, अच्छा है। लाइक थोड़ा सा मार्केट में मैं थोड़ा खुद कॉन्फिडेंट लाइक उतना कॉन्फिडेंट नहीं था आज का मार्केट में मैं। नहीं नहीं ट्रेड तो एओसी के हिसाब से जो बना तो वो बना ही, ऐसे आज मार्केट बहुत चौपी है ना। हाँ सर, बिल्लू सर कुछ इशू लाइक कोई डाउट बताओ फिर सुने हम भी कोशिश करते हैं। अरे मिथुन जी, हेलो। हाँ जी दीक्षित जी, क्या बोल रहे हैं? अरे यस सर, टूट क्यों गया तुमने, ये तो भागे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा। ठीक है चलो। हाँ जी सर, क्रूड में क्या हुआ? विश्वजीत जी हो गया ना ये? हाँ सर हाँ। ठीक है तो कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। यस सर। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग।